हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जितनी छोटी है उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। बहुत छोटी सी वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये सस्पेंशन का मेन पार्ट है, लोअर आर्म। लोअर आर्म के बारे में पहले भी मैं सस्पेंशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। और इसका देखिए ये बुश ख़राब है, एक ये बुश, इसको वॉल जॉइंट कहते हैं, वॉल जॉइंट हो गया ये, और एक ये अंदर वाला बुश, ये मेन बुश है। ये दोनों बुश इसके ख़राब हो गए हैं और ये दोनों मेन है। कहीं भी आप इसको लेके जाते हैं और दिखाते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि इसका फुल सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन इसका गया बोल के 20-25 हज़ार रुपये। तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनको लगाना अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी अक्सर इस चीज़ों के चलते गाड़ियाँ नहीं ले पाता है, या फिर वो डरता है कि मैं मेंटेन कैसे करूँगा। एक्चुअली में इतना मेंटेन करना मुश्किल होता नहीं है जितना बना दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेके ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और मैं ईजी से ईजी तरीके और आसान तरीके और पॉकेट फ्रेंडली तरीके में आपको बताता हूँ। तो इसमें देखिए, मैं सबसे पहले WD-40 स्प्रे करता हूँ किसी भी चीज़ को खोलने से पहले। WD-40 स्प्रे करने का रीज़न ये है कि इसको कोई भी बोल्ट ऐसा टूटने की नौबत नहीं आएगी, और ना ही मुझे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं इसके ये आर्म को निकालूंगा। इसके आगे का व्हील्स वगैरह मैंने निकाल रखा है, क्योंकि व्हील हब में भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये जो है आर्म निकालनी है मुझे, और आर्म के बुश चेंज कराने हैं। बुश चेंज कराने हैं, एक्चुअल में कितने में मिलते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हाइड्रोलिक पे कितना खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको देख ले जाऊंगा, आपको भी अपने साथ मार्केट जहां से मैं ये पार्ट्स लेता हूं और कहां पे मैं इसको चेंज कराता हूं। तो वीडियो अगर लेकिन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बनता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, और आप तक मैं अच्छी से अच्छी टिप्स और ट्रिक्स लेके आता हूँ। तो ये देखिए, ये आर्म है, ये पूरी आर्म में भी इसको निकाल दूंगा, क्योंकि ये पीछे के बोल्ट मैंने निकाल दिए हैं, ये सिंपल बाहर आ गई। ये देखिए, ये यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे हम। और इतना ज़्यादा मुश्किल भी काम नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप भी कर ही सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आर्म बाहर आ गई है, और ये पूरी आर्म ही अक्सर एजेंसी वगैरह पर आप लोग जाते हैं तो पूरी आर्म चेंज करने को बोलते हैं, लेकिन ये पूरी आर्म चेंज नहीं होती है, पहले भी मैंने बता दिया आपको। और इसका ये मेन बुश है, ये ख़राब हुआ है, और इसके ख़राब होने की वजह से हमको दिक्कत है। तो देखिए, अभी मैं आ गया हूँ हाइड्रोलिक प्रेस पे, हाइड्रोलिक प्रेस पे आया, मैं ये बुश निकलवाऊंगा। ये देखिए, ये यहाँ से बोल्ट ढीला करके, और ये बुश का एक पूरा जो गुटका है ये एक बाहर आ जाएगा, और ये गुटका लेके फिर हम चलेंगे शॉप पे बुश लेने के लिए। ये देखिए, ये है, ये इसके अंदर रबड़ का बुश है। इसके पैसे ये कितने का सर? बुश 170 का लगा रहे हैं आपको। चलिए, और ये गोली, और चलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस पे जहाँ से हमने ये बुश निकाला था। और देखिए, इसी तरीके से बुश इसके अंदर ठोक दिया जाता है। कैसे? ऊपर से प्रेशर दिया जाएगा, और पुराना बुश इसके अंदर है, ऊपर से ये बुश रख देंगे और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा ये बुश इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, और ये फिट हो गया इसका मतलब ये बिल्कुल नया हो गया। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। होता है ऐसा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे पैसे दिए हैं तो आपके पास ऐसा ही होता है। हो सकता है कि आपसे पूरे पैसे भी ले लिए जाएं और आपको इसी तरह से काम करके दे दिया जाए, तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, ये आम मैंने रेडी कर ली है, और इसको रेडी करके मैं ले आया। ये बुश चेंज किया मैंने, ये था पुराना वाला बुश, और ये नया बुश मैंने इसमें लगा दिया है, और साथ में ये बॉल जॉइंट भी लगाया है मैंने इसके साथ में। बॉल जॉइंट मैंने आपको दिखाया ही था कि ये 350 रुपीज़ का बॉल जॉइंट है, और इसको 40 रुपीज़ मुझे लगे हैं इसको हाइड्रोलिक पे फिट कराने के। और ये देखिए, ये 350 का बॉल जॉइंट था, और 170 का बुश मिला मुझे, तो ये हो गए करीब 210, और इसके आ गए 350, यानी कि 500-550 रुपये के आसपास में ये मेरी आर्म पूरी तैयार हो गई। और मेन सस्पेंशन का पार्ट यही है, इसी को बोलते हैं कि सस्पेंशन ख़राब हो गया है। तो देखिए, इसके आगे मैं और भी वीडियो बना के अभी अपलोड करने वाला हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।